सच साहस सरोकार। सीएम योगी लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत, मिशन रोजगार के तहत बांटे नियुक्ति पत्र। और अयोध्या में निकाय चुनाव को लेकर सपा की बैठक, निकाय चुनाव जीतने का दिया मंत्र। अलीगढ़ खैर तहसील कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक ने निकाय चुनाव से पहले की मॉक ड्रिल, कई जगहों पर निकाला पैदल मार्च। हरदोई में बिजली विभाग के कर्मचारी पर युवक ने फेंका लाल मिर्च, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी लोकभवन में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटे। बता दें सीएम योगी ने 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटकर मिशन रोजगार की धार दी है। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही उन्होंने कहा हम कृषि प्रधान राज्य में रहते हैं, हमें किसानों का सहयोग करना चाहिए। प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हो रहे हैं, साथ ही कृषि विकास दर भी प्रदेश में बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित नवनियुक्त प्राविधिक सहायक और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आप सभी नव चयनित कृषि प्राविधिक सहायकों को और आपके सभी के परिवारजनों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में हम एक कृषि प्रधान देश में और उसके सबसे बड़े कृषि प्रधान प्रदेश में निवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी एक बड़ी आबादी की आजीविका का माध्यम खेती किसानी है। उत्तर प्रदेश की अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन उस प्रकार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाती है। चंदौली में वीआरसी साहबगंज में एक दिवसीय संगोष्ठी व उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि ब्लॉक के प्रधान व परिषदीय विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने शिरकत की। वहीं गोष्ठी में ऑपरेशन कायाकल्प व मिड डे मील संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बाहर जाने थे, बाहर पर शौच करने के लिए तो मारे मारे फिरते थे, तो नगर पंचायत ने 10 लाख रुपया दिया था, नगर पंचायत के लोग ही काम को कराए। उसके बाद एसडीएम साहब जांच करने के लिए गए, कहे कि आपके विद्यालय में तो टाइल्स नहीं लगे। हमले साहब निवेदन मेरा सुन लीजिए, तब आगे तब जो कहिएगा। हमने उनसे निवेदन किया, मैं उसमें अध्यापक था ही, तो कहा कि कम से कम पूरा नहीं कराएंगे तो कुछ विद्यालय कमरे में तो करा दीजिए, 6 कमरे हैं यहाँ। तो 2 कमरे में उन्होंने तुरंत करा दिया, 2 कमरे में और अब हो गए हैं 4। क्या लगता है आप लोग के बीच में आके आप देख रहे होंगे कि पहले प्रधान जी लोग को, चाहे अध्यापक लोग को विद्यालय में काम कराने के लिए जल्दी कहीं से बजट नहीं मिलता था, पैसा होता था मगर कुछ शासनादेश ऐसे होते थे कि बिछा के भी आदमी विद्यालय में काम नहीं करवा पाता था, तो कहीं फील्ड डाउन है आपका, मट्टी की आवश्यकता। कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सी एन अश्वनाथ नारायण रामनगर बेंगलुरु में अपने 150 प्रतिनिधियों के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले श्री राम लला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान भगवान श्री रामलला के बन रहे भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों की प्रति देखा भी। वहीं रामलला के समक्ष करीब 2 किलो की चांदी की ईंट समर्पित की। इसके साथ ही सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि डॉक्टर सी एन अश्वथ नारायण ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का
दर्शन करने के लिए अपने 150 सदस्यों के साथ अयोध्या आया हुआ हूं। इसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सभी की इच्छा थी कि राम मंदिर बनाने की जो आज बन रहा है। राम जी का दर्शन करने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए, राम राज बनाने के लिए और संबंध सब लोगों से संबंध राम का संबंध है, सब भारतीय लोगों से संबंध राम का है, राम का प्रेरपण है, राम का समाज और राम राज्य का निर्माण करने के लिए प्रेरपणदायक है, उसका आशीर्वाद लेने के लिए राम जी का आशीर्वाद लेने हैं, इसलिए हम बहुत दूर से आए राम का आशीर्वाद लेने के लिए। बुलंदशहर में पुलिस अधीक्षक ने आगामी नगर निकाय निर्वाचन को सकुशल शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया तथा भारी पुलिस फोर्स के साथ खुर्जा नगर के मुख्य चौराहे, बाजार, मिश्री व आबादी वाले तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च किया गया और आम जनमानस से अनुरोध किया गया कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करे और किसी भी प्रकार की अफवाह उन्माद फैलाने वालों के बारे में तत्काल 112 नंबर अथवा संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करें। साथ ही जनता से आपसी सद्भाव, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। खुर्जा पे मेरे द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर यहां की तैयारियों के संबंध में एक बैठक की जा रही है। इसी के साथ साथ यहां जो निकाय क्षेत्र है इसमें हमारे द्वारा, SPRA द्वारा, CO खुर्जा द्वारा और अन्य थानों की फोर्स द्वारा आज यहाँ पैदल गश्त किया गया। गश्त के दौरान आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी गई और यथासंभव उनके निराकरण। हरदोई की नगर पालिका से 32,000 लोगों का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का डाटा गायब हो गया है। अब इन लोगों को पासपोर्ट सहित अन्य जगहों पर अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि डाटा ऑनलाइन नहीं है। नगर पालिका ने बताया ये डाटा गायब हो चुका है और अब इन लोगों को दोबारा से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। इस बीच जिन्होंने प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं उन्हें दोबारा प्रमाण पत्र बनवाने होंगे क्योंकि आप नगर पालिका के वेबसाइट से इनका सत्यापन नहीं कर पाएंगे और ना ही उसे डाउनलोड कर सकेंगे। संबल में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एकदम सक्रिय होकर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं और जिले में टीम गठित कर फर्जी झोला छाप अस्पतालों पर नकेल कसने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक फर्जी अस्पताल व दो पैथोलॉजी लैब को सील कर बड़ी कार्रवाई की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचते ही झोला छाप अस्पतालों में हड़कंप मच गया। अस्पताल की शटर डालकर झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो गए। प्रतापगढ़ में एक नगर पालिका परिषद व 18 नगर पंचायत में कुल 289 वार्ड मेंबरों का चुनाव होना है। वैसे तो सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं लेकिन सबसे आगे सत्तारूढ़ भाजपा नजर आ रही है। सबसे ज्यादा टिकट को लेकर घमासान भाजपा में दिखाई दे रहा है और भाजपा ने सभी 19 निकायों पर काबिज होने के लिए जोर लगा रही है। इसके लिए संगठन के साथ ही सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण को जिम्मेदारी सौंपी गई जो 2 माह से पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पार्टी अपना पिछला परफॉर्मेंस जो है दोहराएगी। जो भी स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, हम लोग 100% यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष का भी चुनाव जीतेंगे और अधिक से अधिक हम लोग, एक तो पार्टी ने निश्चित किया है कि हम लोग सारे वार्ड जो है 25 के 25 वार्ड लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ हम लोग लड़ेंगे और हमारे सारे। औरैया जिले में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा बैठक करते हुए निकाय चुनाव की रणनीति बनाई गई। सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी परचम लहराने का संकल्प लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के द्वारा पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में किए जाने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता में भारी उत्साह और आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का काम करेगी। पार्टी की तैयारियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। समाजवादी पार्टी अंदर से पूरी तैयारी कर रही है और जिस हिसाब से
मैनपुरी लोकसभा में सारी जातियों के लोगों ने हमें समर्थन दिया, सारी जात के लोगों ने हमें वोट दिया। नेताजी का बनाया हुआ समाजवाद फिर से तैयार किया मैनपुरी में, उस समाजवाद को पूरे प्रदेश में ले जाने का काम करेंगे। वह हर जात हर वर्ग के लोगों को जोड़ के अब की बार बहुमत के साथ लोकसभा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीते सब। और अभी चुनाव आयोग आज तो खैर वो होस्ट हो गया, तो हम लोग जो है उसी नगर पंचायत में तैयारी के लिए जो हमारे नेता और कार्यकर्ता सभी लोगों को बुलाया गया, उसी संबंध में बैठक थी और हम लोग नगर पंचायत की तैयारी के लिए तैयार जी। सर हाल में अभी बाईपोल इलेक्शन हुआ है सर, समाजवादी पार्टी ने सर अच्छे मतों से डिंपल यादव जी सांसद पद की पहुंची, खतौली से सर मदन भैया पहुंचे, भाजपा ने एक सीट जीती। इस जीत को सर आप अपने किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए ये कार्यकर्ताओं की जीत है, आदरणीय नेताजी ने पूरा नेताजी। रायबरेली जिला जज ने रायबरेली जेल का औचक निरीक्षण किया, इस दौरान उनके साथ डीएम और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी भी मौजूद रहे। जिला जज द्वारा इस निरीक्षण में कैदियों की समस्याओं को भी सुना गया। विचाराधीन सजाए आपको बता दें विचाराधीन सजाए कैदियों को उचित कानूनी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की बात कही गई, जिससे कि उन्हें सही न्याय मिले। जिला जज ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जेल बंदियों को निशुल्क एडवोकेट और उनके स्वास्थ्य संबंध में जानकारी ली गई और कैदियों को जागरूक किया गया। जेल में सारे बंदियों को देखा गया है, जो खासतौर से 18 से 21 साल के थे और महिलाएं थी और वो जेल में बंद हैं, कुछ अंडर ट्रायल हैं और कुछ उनको सज़ा हो चुकी है, तो उनके पास किसी के पास वकील ना हो या उनको और किसी प्रकार की परेशानी हो या किसी को मेडिकल तकलीफें हो, उसके बारे में उनसे बात की है। हरदोई में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर एक युवक ने लाल मिर्च फेंक दिया, जिससे टीम की हालत खराब हो गई। दरअसल बिजली विभाग की तरफ से उपभोक्ताओं से बकाया रकम की वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। बिजली विभाग की टीम 7073 रुपए के बकायेदारों से बकाया वसूलने पहुंची थी, जिसके बाद युवक ने टीम के चेहरे पर लाल मिर्च फेंक और भाग निकला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद जेई ने थाने में तहरीर दी है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अलीगढ़ में खैर तहसील कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर 5 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गांव में जो झज्जर बिजली की लाइन है उसे चेंज किया जाए, किसानों की फसल नष्ट हुई है उसका जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, वहीं आवारा गोवंश को गौशाला में भिजवाया जाए और विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजली आपूर्ति ठप हो गई है जी प्रदेश भर में, और बरसात का पानी आसमान से आ नहीं रहा है, नहर राजबा मानोरम में पानी नहीं है। अब जो किसानों ने बाजरा धान की फसलें जो करी हैं उसमें पानी की कमी है, और उससे पानी की कमी से प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है पटवारी कानों को तहसीलदारों को और वहाँ भेज के वहाँ गांव में खेतों में भेजने की बात कह रही हैं। अमेठी में 2 दिन पहले बारात देखने निकले अधेड़ की घर के बगल में लाश मिली है। बता दें कि 2 दिन पहले घर से अधेड़ बारात देखने निकला था, जिसकी लाश मिली है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही में जुट गई है। खबर औरैया के एरवा कटरा से है, जहां थाना अध्यक्ष जीवाराम ने शांति कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स के साथ देर शाम को एरवा कटरा के मुख्य मार्ग व बाजार में होते हुए पैदल मार्च किया और आम जनमानस से अनुरोध किया कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी कैश के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस 1,80,00,000 रुपए कर चुकी है और इसमें 10 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि आईटी एक्सपर्ट ने 30,00,000 रुपए चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग समेत कई एजेंसी को सूचित किया है।
29/11 को एक व्यवसायी द्वारा जहांगीराबाद थाने में एक FIR लिखाई गई थी कि 30 लाख रुपए और उनके कागजात के चोरी की संबंध में सूचना लिखाई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस कार्यवाही में 6 चोरों को गिरफ्तार करके 1,21,00,000 रुपए उस समय बरामद हुए थे। उनके द्वारा से जो पूछताछ हुई थी, उससे जो क्लू मिला था, उसके आधार पर हमारी टीम जहांगीराबाद इंस्पेक्टर के काम कर रही थी और आज 15/12 को इन्होंने 4 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया है, जिनके चंदौली में बेखौफ चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खुल गई। ताबड़तोड़ हो रही चोरी से इलाके में दहशत फैल गई है। चोरों ने देशी शराब की दुकान से 96 पेटी लगभग 2,80,000 रुपए की देशी शराब पर हाथ साफ किया और दुकान में लगे CCTV कैमरा और DVR भी चुरा ले गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। ये हेटिमपुर देसी शराब दुकान में चोरी हो गई है। सुबह 5 बजे हमको खबर मिली तो मैं यहाँ आया और यहाँ आकर के देखा तो 96 पेटी शराब जिसकी कीमत 2,80,800 रुपया, काउंटर से नकदी 6,000 रुपया और CCTV कैमरा और DVR। पुलिस को सूचना दिया बगल से ताला तोड़ करके और पीछे की दीवार काट करके और ले गए हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस जांच कर रही है। खबर औरैया से है जहां के एरवा कटरा थाना में दबंगों की दबंगई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां गांव के ही युवक को बेरहमी से महिला समेत 3 व्यक्तियों ने लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित आशीष कुमार घायल अवस्था में थानाध्यक्ष जीवाराम के सामने न्याय की गुहार लगाई। थानाध्यक्ष ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर उन लोगों के पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। घायल को डॉक्टरी परीक्षण के लिए एरवा कटरा CIC भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मिनी PGI सैफई के लिए रेफर कर दिया। थाना एरवा कटरा, क्या मामला आप एरवा कटरा थाने आए? वो मेरी जमीन का मकान में जबरदस्ती गुंडई से न्यास भरी, उन्होंने मकान बनवाने नहीं देते थे, तब हम लोग थे छोटे, अब उन्होंने जबरदस्ती घूरो डात उस पर चल रही दीवानी, अब हम कुछ कर नहीं रहे, बेजबरदस्ती घूरो डात में बैठ गया। कौन लोग हैं? भैया दशरथ और दशरथ के दो नाती गोलू अंकित और अनिलेश मिमलेश और उनकी का नाम वाइफ है, वो क्या नाम जो बड़ी वाली है, अंकित गोलू की मम्मी। फिर क्या हुआ? औरैया में जमीनी विवाद को लेकर ही कि एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। विवाद में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं विवाद में रिटायर्ड फौजी ने गोलियां भी चलाई। गोलियां चलने से गांव में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस को जब इस बात की जानकारी लगी तो कई थानों के पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया और खुद SP अस्पताल पहुंचे, जहाँ उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली। पूरी जाँच में लगी हुई है पुलिस इस वक्त। कस्बा शहर के ग्राम पंडपुर में 2 फौजी भाइयों में आपस में विवाद हुआ, जिसमें मारपीट में दोनों तरफ से 4 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को समुचित उपचार है जिला अस्पताल और यह रेफर किया गया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त है, समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत, आवश्यक विधिक कार्रवाई करती है। एक जानकारी मिली है कि गोली चली है सर? रिटायर फौजी की तरफ से हवाई फायरिंग की गई है। गोंडा में पुरवा गांव के समीप गन्ने से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर काकरिया नाले में गिर गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की पानी में डूबकर मौत हो गई। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने पुलिस के सहयोग से शव को बाहर निकाला। परसपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। रायबरेली शहर के भीड़भाड़ वाले एरिया में दिनदहाड़े महिला से लूट हुई। 2 अनजान युवक लुटेरे के झांसे में महिला आ गई। जब तक कुछ समझ पाती तब तक दोनों युवक महिला के साथ लूटपाट कर चुके थे। इसके बाद महिला रोती बिलखती हुई बदहवास होकर इधर उधर भागने लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दोनों लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि दोनों आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। रखने में गया हर जमने और ऐसा हमारा दिमाग हो गया कि हम उतार के रखते चले गए अपने जेब, तो हमने उस पर्स को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आपको कुछ उठाया हुआ है? नहीं, उसने हमको उसके बाद हमने मुट्ठी में लिया तो हम चलने लगे।
हमने सोचा चलो, तो कहता कि दीदी दो कदम तो चलना है, तो जो छोटा वाला था मेरे पास गया, तो कहता दीदी लाओ तुम हमारे पैसे तुम पकड़े थे, हम तुम्हारा पर्स पकड़े, दो कदम चल के आओ। और हमने पता नहीं हमारा दिमाग हमने मैं हमारे अतुल के जैसे छोटा था मासूम, तो हमने उसको पर्स पकड़ा दिया। और हमने बस हमको शंका थी कहीं लुट के भाग ना जाए, हमने उसके कैसे कदम उदम नहीं चला, हमने थोड़ा चल के देखा तो वो दोनों भाग गए। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार व पिकअप में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। कार सवार पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल पिता पुत्री को अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पिकअप चालक को पकड़कर थाने ले गई और आगे की विधिक कार्यवाही शुरू की। गाड़ियां खड़ी रही है, हाँ। तो ठोक देना। कौन सी गाड़ी? पिकअप वो सामने खड़ी है। किसने ठोक दिया? कार खड़ी है। कार कोई घायल है? नहीं, घायल कोई नहीं। अभी दो किस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दो किस्से हैं। एक 24 साल की लड़की है, माइनर इंजीनियर, और एक जिसका नाम है साक्षी सिंह और फतेह बहादुर सिंह 63 साल के हैं। उनका जो एंग्जायटी चोट नहीं हुई लेकिन एंग्जायटी है। इटावा बरेली हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने गड्ढे हादसों की वजह बन गए हैं। डेढ़ दर्जन किसान भरी पिकअप गड्ढों की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 14 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल में इलाज के दौरान एक किसान की मौत भी हो गई। सूचना मिलते ही COCT ने घायलों का हाल चाल लिया। अरे भैया दलालाबाद आ रहे थे, गोली लेके गांव जा रहे थे। घर किससे थे? छोटा हाथी पिकअप से। कहाँ ये पलट गई? गंगा जी कड़ी के। अच्छा, आगे इधर? इधर। अच्छा, गंगा जी कड़ी के इधर पटक ले सेंटर जल तरफ। अच्छा, तो कैसे कैसे पलट गया? क्या हो गया? अरे गड्ढा आ गया तो पलट गई। अच्छा, सड़क पे गड्ढा था? सड़क पे गड्ढा था तो पलट गई, गड्ढे में पहिया चला गया था। अरे तो कितने लोग घायल होंगे आप? अरे 7-8 जने घायल होंगे, 7-8 जने की दिक्कत है। अच्छा, कितने लोग थे टोटल? टोटल आते 18 लोग। अच्छा, जलालाबाद गए थे, मैनपुरी जा रहे, घर जा रहे थे। घर जा रहे थे वापस। तो क्या लेने गए थे वहाँ से? मूंगफली का बीज। तो कितने लोग थे आप? 18 लोग, मई ड्राइवर से। अच्छा, तो एक्सीडेंट जो भी घटना क्या हो गई फिर आप लोग चोट के? घटना का वो गड्ढे में उसका पहिया आगे आ गया, तो ब्रेक व्रेक लगाई, गाड़ी पलट गई। तो रोड पे इटावा रेली है, गड्ढे हैं? हाँ, बहुत सारे गड्ढे हैं। और कहा? अच्छा, तो कहाँ पे घटना हुई होगी? ये हमें तो इतना पता नहीं है, मैनपुरी के रहने वाले हैं, ये रेलवे पुल है उसके आगे। अच्छा, वो पुल के आगे। हाँ। तो कितने लोग घायल हो गए आपके? अब जो घायल हैं 14 जने। अच्छा, तो ड्राइवर वगैरह चोट आई? ड्राइवर को बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? ओम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? दलपुरा। थाना? एलाऊ। जनपद? मैनपुरी। कहाँ जा रहे थे? जलालाबाद से गांव जा रहे थे, मैनपुरी की तरफ। क्या लेकर क्या करने के जलालाबाद लोग? मूंगफली लेने गए थे, बीज का। कितने लोग अंदाज होंगे? 18 आदमी थे। अच्छा, तो कहाँ पे पिकअप पलट गई? पिकअप पलट कहाँ पे? इधर ही पास में ही है। अच्छा, ये गंगा जी के पुल के उधर? इधर नहीं, बहुत इधर आइए, फरुखाबाद तरफ। फरुखाबाद के पास। अच्छा, तो कैसे पलट गई, क्या कारण हो गया? खंदा आ गया आगे, गड्ढा गड्ढा, इधर से गाड़ी आई, लाठी भी दिखाना नहीं कुछ। अच्छा, तो गड्ढे में चला लगा पाया, इसलिए पलट गई। एक ये बलेरो की पिकअप है जो जलालाबाद से मैनपुरी जा रही थी। किसान का जो बीज था मूंगफली का, उसको लेके जा रहे थे। उसमें करीब 14 जो किसान थे वो सवार थे। वो एक्चुअली जो रोड है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उससे वो आगे सामने लाइट पड़ने की डिसबैलेंस हुई और वो गाड़ी थोड़ा सा पलट गई, जिसमें करीब 5-6 जो उसमें जो सवार थे वो घायल हो गए। अभी डॉक्टर से बात की, सभी खतरे से बाहर हैं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है, सुपरफिशियल जो स्क्रैचेस हैं वो हैं, और सुबह तक सबको डिस्चार्ज कर। पिकअप पलटने से करीब 14 लोग आए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है तथा वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। किसी की हालत गंभीर वगैरह तो नहीं? ज़्यादा गंभीर हालत किसी की नहीं है, सब सही है, ज़्यादा गंभीर नहीं। रायबरेली में कहारों के अड्डा के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रांसफार्मर अचानक धू धू कर जलने लगा। तेज आवाज के साथ आग की लपटें उठती देख मौके पर भगदड़ मच गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया। आग की लपटें इतनी विशाल थी कि ऊपर के तारों तक को जला दिया। करीब आधे घंटे तक ट्रांसफार्मर धू धू कर जलता रहा।
रायबरेली में ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव में अज्ञात कारणों के चलते युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे सीएससी के प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल ने बताया कि युवती ने जहरीला पदार्थ खाया था जिससे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साथ।